हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ प्लंबिंग सर्विसेज, 6th चैप्टर हीटिंग सिस्टम। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे कि सोलर हीटिंग सिस्टम के बारे में, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि ये ब्रह्मांड से जो है प्राप्त होती है, ठीक है, तो ये बिजली का घर है, ठीक है, ब्रह्मांड जो है बिजली घर है, तो वो उसके द्वारा, सूर्य के द्वारा जितनी भी ऊर्जा पैदा होती है तो वो हम सोलर सिस्टम के द्वारा जो है ग्रहण करके, तो वाटर को हीट करने के लिए या अपने बिजली ग्रहण करने के बनाने के लिए भी इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। द बेसिक एलिमेंट तो कौन कौन से हैं, तो बेसिक फंक्शनल एलिमेंट, फंक्शनल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ सोलर वाटर हीटर, सोलर वाटर हीटर, सोलर वाटर हीटर आर कोल्ड वाटर टैंक स्टोरेज टैंक, कोल्ड वाटर स्टोरेज टैंक, कोल्ड वाटर स्टोरेज टैंक और कलेक्टर बॉक्स, बॉक्स हॉट वाटर स्टोरेज टैंक, हॉट वाटर स्टोरेज टैंक, डिस्ट्रीब्यूशन टैंक, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिस्टम पाइपलाइन, सिस्टम पाइपलाइन एंड कंट्रोल सिस्टम, एंड कंट्रोल सिस्टम। तो ये बेसिक फंक्शनल एलिमेंट्स हैं जो कि, ठीक है, सबसे पहले कोल्ड वाटर स्टोरेज टैंक, फिर कलेक्टर बॉक्स, फिर उसके बाद हॉट वाटर स्टोरेज टैंक, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिस्टम पाइपलाइंस जितनी भी जाती है, और कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, जहाँ से इसका जो है कंट्रोल होता है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कोल्ड वाटर स्टोरेज टैंक के बारे में। तो जैसे कि हमने अभी तक डिस्कस किया, तो नंबर एक कोल्ड वाटर स्टोरेज टैंक, वाटर स्टोरेज टैंक, तो ये ठंडे पानी का जो है स्टोर करने के लिए, द कैपेसिटी ऑफ दिस टैंक शुड बी एट लीस्ट, द कैपेसिटी ऑफ should be at least, should be at least twice the daily requirement, daily requirement, requirement of hot water, गर्म पानी की जो है डेली रिक्वायरमेंट के लिए जो है इस टैंक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इन द केस ऑफ फोर्स सर्कुलेशन सोलर सिस्टम, केस ऑफ फोर्स सोलर सिस्टम, फोर्स सर्कुलेशन फोर्स सोलर सिस्टम, द पंप शफ्ट वाटर फॉर्म, पंप शफ्ट, पंप शफ्ट वाटर फ्रॉम कोल्ड वाटर सप्लाई टैंक, वाटर फ्रॉम
से जो है वो पानी को उठाता है या पानी को जो है ऊपर खींचता है, ठीक है, पंप के द्वारा, ठीक है, सर्कुलेशन के बनाए रखने के लिए, ठीक है। टैंक कैन बी सिचुएटेड एनीवेयर, कहीं भी जो सिचुएट कर सकते हैं उसको जो है लगा सकते हैं। इन केस ऑफ थर्मोसाइफोन सर्कुलेशन सोलर सिस्टम कोल्ड वाटर टैंक, सोलर सिस्टम कोल्ड वाटर टैंक शुड बी प्लेस्ड, शुड बी प्लेस्ड एट द हायर लेवल, हॉट वाटर टैंक या स्टोरेज टैंक, सो दैट वाटर फ्रॉम कोल्ड वाटर, सो दैट वाटर फ्रॉम कोल्ड वाटर कोल्ड वाटर ताकि ठंडे पानी से जो है सप्लाई ऊपर हॉट वाटर के लिए हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपना कलेक्टर बॉक्स, नंबर दो, कलेक्टर बॉक्स। तो ये था कोल्ड वाटर से जो है हॉट वाटर के लिए ऊपर तक उसकी सप्लाई पंप के द्वारा जो है, तो पंप के द्वारा ऊपर खींच के, ठीक है, पाइप्स के जरिए तो जो हॉट वाटर टैंक में जो सप्लाई उसकी दे दी जाती है। तो नेक्स्ट आ गया अपना कलेक्टर बॉक्स, नंबर सेकंड, कलेक्टर बॉक्स। तो इसका क्या काम होता है भाई? दिस इज द हार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, द हार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। तो ये सोलर सिस्टम का है, दिन का है, ठीक है। इट कलेक्ट्स द सन एनर्जी, कलेक्ट द हीट फ्रॉम सन एनर्जी, एनर्जी फॉर हीट वाटर या टू हीट वाटर, ठीक है। तो दिस कंसिस्ट ऑफ मेटल प्लेट, कंसिस्ट ऑफ मेटल प्लेट कंसिस्ट ऑफ मेटल प्लेट्स एंड ट्यूबिंग विच इज सोल्डर्ड, ट्यूबिंग, तो ये ट्यूब और ये मेटल प्लेट विच इज सोल्डर्ड, तो ये जोड़ी हुई है ना, सोल्डरिंग की हुई है, विच इज सोल्डर्ड, सोल्डर्ड टू द मेटल प्लेट, टू द मेटल प्लेट।
मेटल प्लेट के साथ जो है इसके साथ जोड़ी जाती है, ठीक है। तो ये कलेक्टर प्लेट कैन बी ऑफ प्लेट किसकी बनी होती है भी? कैन बी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और स्टील, कॉपर और स्टील। तो ये तीन धातुओं भी बनी होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर और स्टील। द ट्यूबिंग एंड प्लेट आर पेंटेड एंड प्लेट आर पेंटेड विद फ्लैट ब्लैक, जो है बिल्कुल काले रंग की जो होती है उसके द्वारा उसके ऊपर पेंट किया जाता है बिल्कुल काले रंग का, ठीक है। क्योंकि जो है जो ब्लैक कलर जो है ऊर्जा का जो है संसोध उस ऊर्जा को जो है अपने अंदर जल्दी सोख लेता है और जल्दी से उसको जो है गर्म कर देता है, ठीक है, सुचालक है। तो जो नेक्स्ट है इसके बाद हॉट वाटर टैंक, ठीक है। तो ये कलेक्टर बॉक्स इसके बाद नंबर तीन हॉट वाटर टैंक। तो ये क्या करता है, इट इज ए रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल इन शेप, इट इज ए रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल और सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है। द टैंक इज कवर्ड विद द टॉप क्वालिटी, टैंक इज कवर्ड विद टॉप क्वालिटी। तो जो है बढ़िया क्वालिटी के जो है इसका जो है कवर किया जाता है इंसुलेटेड पैड्स, इंसुलेटिंग पैड्स के द्वारा, ठीक है। तो जो सोखने का काम करती है, ठीक है, पानी को भी अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। तो इसे बढ़िया क्वालिटी के जो पैड्स से जो इसे ढक दिया जाता है। द इंसुलेशन इज अगेन कवर्ड, इंसुलेशन इज अगेन कवर्ड with GI, ठीक है, GI मतलब गैल्वेनाइट आयरन, गैल्वेनाइट आयरन, ठीक है, जिसको वो लोहा भी कहते हैं ना, जो सूती लोहा और एल्यूमिनियम शीट या एल्यूमिनियम मीडियम शीट, ठीक है, गैल्वेनाइज आयरन या एल्यूमिनियम शीट के द्वारा इसके ऊपर जो है द्वारा से जो है ऊपर कवर कर दिया जाता है, ठीक है। द टैंक आल्सो कैरीज वेरियस फर्दर फिटिंग, आल्सो कैरीज वेरियस अदर फिटिंग, अदर various fittings, fittings like nozzle valve,
गरम फ्लैंज, ठीक है, फ्लैंज को जो है गरम करके, ठीक है, उसके द्वारा जो है इसकी जो फिटिंग की जाती है। नेक्स्ट आ गया डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिस्टम पाइपलाइन, ठीक है, तो पाइपलाइन के द्वारा जो है सिस्टम के जो है पाइपलाइन का जो है सिस्टम कैसे रखा जाता है, नंबर फोर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिस्टम पाइपलाइन। तो कैसे रखी जाती है भैया, द कलेक्टर बॉक्स आर कनेक्टेड टू सिस्टम पाइपलाइंस, सिस्टम पाइपलाइंस, तो इसको जो है सिस्टम पाइपलाइंस के द्वारा जो है इसके साथ अटैच किया जाता है, ठीक है। दीज पाइप्स आर ऑफ, दीज पाइप्स आर GI pipes, GI pipes, ठीक है, होती है, ठीक है। नंबर पांच कंट्रोल्स, तो कंट्रोल्स कौन कौन से हैं, कंट्रोल्स में आ जाते हैं एयर रिलीफ वाल्व्स, ठीक है, एयर रिलीफ वाल्व्स और थर्मोस्टेट, थर्मोमीटर, स्टेनर, थर्मोमीटर, स्ट्रेनर स्ट्रेनर नॉन रिटर्न वाल्व्स लेवल कंट्रोल, नॉन रिटर्न वाल्व और नॉन रिटर्न वाल्व लेवल कंट्रोल, कंट्रोलर, लेवल कंट्रोलर एंड टेम्परेचर कंट्रोलर, टेम्परेचर कंट्रोलर डिवाइस, टेम्परेचर कंट्रोलर डिवाइसेस आर प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ये जो है कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा आया था कोल्ड वाटर स्टोरेज टैंक से लेकर, ठीक है, यहां से जो है कोल्ड वाटर स्टोरेज, तो ये पाइपलाइन के द्वारा जो है इसके अंदर दे दिया जाता है। तो ये सोलर सिस्टम के द्वारा ये हमारा सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, ये कलेक्टर बॉक्स है, ठीक है, जो कलेक्ट करता है जो सूर्य से जितनी भी ऊर्जा आती है या जितनी भी जो है सन से हीट पैदा होती है, तो वो इसको गर्म करके, तो ये वाटर टैंक के द्वारा या वाटर ये पाइप के द्वारा, ठीक है, तो ये हॉट वाटर स्टोरेज टैंक के अंदर जो फिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, सिस्टम पाइप्स के द्वारा, तो ये सारी सिस्टम पाइप्स हैं, ठीक है। तो ये किसकी बनी होती है भाई, तो ये सारी गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स होती हैं, ठीक है, तो ये इसके द्वारा, तो उसको जो कंट्रोल किया जाता है, तो वॉल्व के द्वारा, एयर रिलीफ वॉल्व हो गया, ठीक है, तो ये
गेट वाल्व, ठीक है, चेक वाल्व, तो इस तरह के जो है कंट्रोल वाल्व, ठीक है, पंप को जो है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, तो इनसे जो है ये कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो ये था अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सारा, ठीक है, सोलर वाटर हीटर का। तो आज तक हमने, तो इस चैप्टर में हमने सेंट्रल हीटिंग के बारे में और विभिन्न प्रकार के जो है हीटर्स के बारे में, ठीक है, के बारे में डिस्कस किया, और कन्वेंशनल होम से हीटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो शुरू से लेके लास्ट तक हमने, तो जितने भी हमने ये आज तक के जो चैप्टर हमने कंप्लीट किए, प्लम्बर टूल से लगाकर, फिर पाइप फिटिंग, फिर उसके बाद वाटर सप्लाई सिस्टम, डोमेस्टिक ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, तो फिर सैनिटरी अप्लायंसेस, तो कौन कौन से जो सैनिटरी जो है हम अप्लायंस करते हैं, ठीक है, उसके अंदर, और हीटिंग सिस्टम, ठीक है, हीट ट्रांसफर कैसे करते हैं, वाटर हीटर का प्रयोग हमने कैसे करते हैं, कौन कौन से वाटर हीटर का, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर या गैसर वाटर हीटर, ठीक है, उनका प्रयोग। तो डोमेस्टिक पर्पज के लिए हमने हॉट वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में भी डिस्कस किया है, और सेंट्रल हीटिंग के बारे में हमने डिस्कस किया है। उसके बाद आज अब सोलर वाटर हीटर के बारे में भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर और यही समाप्त होता है, ठीक है। तो जैसा भी कि आप जानते हैं कि इसमें अगर किसी प्रकार की भी आपको कोई दिक्कत आती हो या कोई परेशानी आती है, ठीक है, पढ़ने में या किसी प्रकार के जो कुछ भी पूछना हो, तो वो बाद में आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना जो है ये पूरे का पूरे जो है सिलेबस अपना जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर कोई किसी प्रकार की भी परेशानी आती है या कोई भी आपको दिक्कत आती है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।